रात होने पर हनुमान जी ने अपनी योजना के अनुसार अपने शरीर का आकार घटा लिया। वे बिल्ली के समान दिखाई देने लगे और हनुमान जी ने छलांग लगाई और वे लंका में प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने देखा लंका बहुत भव्य थी। वहाँ बड़े बड़े रास्ते बने हुए थे और कतार में बहुत से बड़े बड़े भवनों का निर्माण हो रखा था। राक्षस लंका का पहरा दे रहे थे। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे तो उनके सामने लंका की अधिष्ठात्री देवी लंका देवी प्रकट हुई और वो हनुमान जी से बोली, वानर तू कौन है और लंका में किस कारण से प्रवेश कर रहा है? हनुमान जी उससे बोले, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन पहले तू ये बता कि तू कौन है। तब उसने कहा, मैं स्वयं लंका नगरी हूँ, मैं इसकी पहरेदारी करती हूँ और कोई भी बगैर मेरी इच्छा के लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और उसके सामने अपना आकार बढ़ाकर पर्वत के समान खड़े हो गए। फिर हनुमान जी ने कहा, हे बद्री, मैं इस नगरी को देखने की इच्छा से आया हूँ, जैसे ही मैं इसे देख लूँगा यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर क्रोधित होते हुए लंका देवी ने हनुमान जी को एक थप्पड़ मार दिया। हनुमान जी ने बदले में उसे एक मुक्का मार दिया जिसके कारण वे नीचे गिर पड़ी। जैसे ही वो नीचे गिर गई, हनुमान जी को उस पर दया आ गई। लंका देवी खड़ी हुई और उसने हनुमान जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, हे महाबाहु, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे प्राण ना लीजिए। मैं स्वयं लंका नगरी हूँ और आपने मुझे परास्त कर दिया है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ब्रह्मा जी ने मुझे एक वरदान दिया था, जब कोई वानर अपने पराक्रम से तुम्हें वश में कर लेगा तब ये समझ लेना राक्षसों पर विपत्ति आन पड़ी है। हे वानर, आपके दर्शन पाकर मेरे सामने वही घड़ी आ पहुँची है जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था। देवी सीता के कारण रावण और राक्षसों का बुरा समय आ पहुँचा है, अतः आप लंका में प्रवेश करके जो कार्य करने आए थे उसे पूरा कर लीजिए। हनुमान जी राजमार्ग से गुजरते हुए लंका के प्रत्येक राक्षस के घर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे और पास ही में हनुमान जी ने रावण का महल देखा जिसकी बहुत से राक्षस पहरेदारी कर रहे थे। हनुमान जी ने अपने छोटे आकार में रावण के महल में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने बहुत से राक्षसों की बैठकों को देखा।